तो राम राम भाइयों, ये हमारे सामने खड़ा है अभी टोयोटा ग्लांजा और ये इसका सेकंड टॉप मॉडल है। बात की जाए इसके फ्रंट प्रोफाइल की तो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है लोगो और नंबर प्लेट की प्लेसमेंट। नीचे ग्रिल दी हुई है और ये इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, ये इसके DRLs है, ये टर्न इंडिकेटर का काम करते हैं और हाई बीम और लो बीम दोनों इसी प्रोजेक्टर में है। ये इसके इंडिकेटर है, ये DRLs हैं, ठीक है। और लुकिंग वाइज काफ़ी अच्छी है और क्रीजेस भी जो इसके दे रखे हैं वो काफ़ी अच्छे और स्मूथ लग रहे हैं। और इसकी साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो हमें मिलता है चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक मिलती है। और इसका टायर सेक्शन देख लेते हैं, अपने को मिलता है 195RR16 16 इंच का टायर मिलता है। और जो इसके इंडिकेटर की प्लेसमेंट है ORVM पर दी हुई है, यही ऑटोफोल्ड वगैरह यही होते हैं। और जो इसके डोर हैंडल है वहाँ इसके रिक्वेस्ट सेंसर दिए हैं। और ये एक्सेसरी का पार्ट है क्या या साथ में ही है? इनबिल्ड है, तो क्रोम के डोर हैंडल्स मिलते हैं। और ये क्रोम गार्निश जो दिए ये काफ़ी अच्छी लग रही है और ये भी इनबिल्ट है। चारों अलॉय व्हील्स मिलते हैं, आगे डिस्क ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। बात की जाए इसके रियर प्रोफाइल की तो रियल में अपने को बीच में लोगो और साइड में ग्लांजा की बेजिंग और जी इसका मॉडल दिखता है। और चार पार्किंग सेंसर अपने को मिलते हैं, यहाँ इसके नंबर प्लेट की प्लेसमेंट दी हुई है। और ये इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा और पीछे अपने को वाइपर, डिफोगर और वॉशर मिलता है। और ये इसका स्टॉप लैंप मिलता है और नॉर्मल एंटीना दिया हुआ है। और इस साइड से इसका फ्यूल फिलर कैप है और अपने को जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो ड्राइवर साइड और एज वेल एज पैसेंजर साइड दोनों को ड्राइवर साइड में ही मिलते हैं। इसकी डोर पैनल की बात की जाए तो अपने को ड्यूल डोर में डोर मिलते हैं इसके। ये इसका हो गया डोर ओपनिंग के लिए। और चारों पावर विंडो कंट्रोल्स यहाँ मिलते हैं, ये ORVM के कंट्रोल्स हैं, ये सॉफ्ट टच दिया हुआ है और ये भी सॉफ्ट है और ये हार्ड प्लास्टिक है। और बात की जाए इसके, ये एक लीटर बॉटल होल्डर, ये पॉकेट है और ये इसके स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स की प्लेसमेंट। और चारों डोर्स में अपने को स्पीकर्स मिलते हैं। इस साइड आते हैं तो ये अपना ये अपने को हाइट एडजस्टमेंट की सीट्स मिलती हैं और सीट्स की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़े बड़े कुशंस दिए हुए हैं। और अंडर थाई सपोर्ट की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा अंडर थाई सपोर्ट है इसका। ये इसके ABC पैडल्स। अब बैठते हैं अंदर और देखते हैं क्या कुछ है। कुछ इस तरीके का इसका डैशबोर्ड मिलता है। इसका स्टीयरिंग है। और बात की जाए इसके, ठीक है, तो इस तरीके का इसका स्टीयरिंग है। और ये अपने को मिलते हैं म्यूजिक के कंट्रोल्स, ये इसके कॉलिंग के कंट्रोल्स। और इसकी एडजस्टमेंट की बात कही जाए तो अपने को टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, टिल्ट एडजस्टमेंट। और बात करें इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की तो ये अपने को टेकोमीटर, नीचे टेम्परेचर मीटर, ऊपर स्पीडोमीटर और नीचे फ्यूल गैस का ऑप्शन है। नीचे बीच में एक MID दी हुई है। और इस साइड आते हैं तो ये 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और ये इसके AC के वेंट्स, काफ़ी प्रीमियम टाइप के AC के वेंट्स लग रहे हैं। और ये इसका ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है।
ठीक है। और इसके अंदर अपने को 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, और ये इसके 2 कप होल्डर, और वायरलेस वगैरह भी इसमें नहीं है। ये यूएसबी का पोर्ट है, ये 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है, और फिट एंड फिनिश इसमें काफ़ी अच्छी दी हुई है। ये इसका ग्लव बॉक्स डिसेंट साइड का साइज़ का ग्लव बॉक्स है, ऐसी के वेंट्स काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं, और मैं मेरे अकॉर्डिंग अपनी सीट को इसको एडजस्ट कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, और इस साइड सनवाइजर में कुछ नहीं दिया हुआ, और इस साइड देखते हैं तो अपने को मिरर मिलता है, और ये हैलोजन बल्ब्स मिलते हैं, या माइक की प्लेसमेंट होती है लेकिन अभी नहीं है। कुछ इस तरीके से अपने को की मिलती है, दोनों ही रिमोट कंट्रोल्स की मिलती है। और चलो भाई अब देखते हैं इसकी रियर प्रोफाइल किस टाइप, रियर सीट्स देखते हैं। तो रियर सीट्स जो अपनी सीट थी वो अपने मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट थी, और चलते हैं इसके रियर में देखते हैं इसका क्या कुछ है। इस तरीके से रियर है, और बात की जाए रियर में 3 पैसेंजर आसानी से बैठ सकते हैं, और ये इसमें आर्मरेस्ट तो नहीं दिया हुआ अभी, और बीच वाले पैसेंजर के लिए कोई भी हेडरेस्ट नहीं है, लेकिन जो साइड में जो पैसेंजर होंगे उनके लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, और आगे ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के साइड भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। ओके, और चलो बैठते हैं देखते हैं भाई। लेग रूम काफ़ी तगड़े वाला दिया होगा इसमें, अगर मेरे अकॉर्डिंग देखते हैं तो मेरी हाइट है 5'8", और ये रियर के ऐसी वेंट्स जिसमें चार्जिंग की प्लेसमेंट यूएसबी टाइप ये दे रखा है, एक यूएसबी टाइप सी है, एक ए और एक सी है, ये एसी की वेंट्स हैं। आर्मरेस्ट का मैं भूल गया था भाई, सॉफ्ट टच के साथ आर्मरेस्ट दिया हुआ है, वो भी पीछे वाले डोर्स भी डुअल टोन में है। ये इसके कंट्रोल्स विंडो कंट्रोल्स हो गए, ये इसका स्पीकर ग्रिल हो गई। तो भाई ये इसका कुछ बूट ओपनिंग का ऐसे, और बूट के लिए अपने को रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है, ये वाला है, ये वाला नहीं है, ठीक है। और जैसे इसकी बूट की भी बात की जाए तो काफ़ी तगड़े वाला बूट दिया हुआ है इसमें, बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है, और इसके देखें हाँ टायर, और ये इसके लिए हुक दिए हुए हैं, और रीडिंग लाइट्स, और यामी स्टोरेज दी हुई है, पार्सल ट्रे, और बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है इसका। बात की जाए इसमें लाइट्स की तो ये डीआरएल्स इनकी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ऑलवेज ऑन इस तरीके से इसकी नीचे लाइट्स है, और ये पीछे की लाइट्स जब ऑन होती है जब हम हेडलाइट ऑन करते हैं, और ये इसके ब्रेकिंग टाइम पे होगी, ब्रेक लैंप्स हो जैसे बोलते हैं, ये इंडिकेटर होगी, ये रिवर्स पार्किंग लैंप होगी।